मैं ट्रैप होके ये पर कैन आई स्किप यस आई कैन स्किप। अच्छा तो इस पॉइंट तक मुझे लगता है मैंने इनफ बैकरूम गेम्स खेल लिए हैं, पर ये गेम थोड़ा सा अलग है। ये गेम बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो जैसा था, जो वीडियो यूट्यूब में लीक हुआ था या लॉन्च हुआ था, जो भी है। एनीवे हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं, देखते हैं कितने देर तक हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे। एक सेकेंड, मैं ट्राई करूंगा निकलने का। और एक बात, जो लोग एस सी पी कंटेनमेंट ब्रिज का वेट कर रहे हैं, वो गेम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज़ उसमें बहुत बुरा है कि हम लोग अगर एक अजीब से जगह में सेव करते हैं तो गेम हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये पर क्या है, कोड 1648। मैं टाइप कैसे करूँगा, ऐसे 16 नहीं है, अच्छा मुझे 6 ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट, देन हम लोग निकल जाएंगे इस जगह से। और इस बीच हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। एक वेयर वाला मॉन्स्टर, एक मतलब रेडियो ट्रांसमीटर वाला मॉन्स्टर। मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर सर्वाइव करने वाला हूँ, पर लेट्स सी क्या होता है। तो बैक रूम्स में क्या ही देखने को मिलेगा, बस ये फ्लोरोसेंट लाइट का साउंड और वेट कारपेट का स्मेल और कुछ क्रीचर्स जो कि नाइटमेयर में भी हमें हॉन्ट करते हैं। एक सेकंड, व्हाट, मेरा कैमरा अपने आप मुड़ गया कहीं पर, मतलब मेरा स्क्रीन कैमरा। आई थिंक कोई टच ग्लिच था, पर ऐसा कभी होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई टच ग्लिच था। डार्कनेस में हमें नहीं जाना, डार्कनेस को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जितनी देर तक हम लोग अवॉइड कर सकेंगे। सो लेट्स गो। यह पर तो कुछ है नहीं, मैं पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक 6 नंबर की को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा नाइस, कितना एम्प्टी स्पेस है, कोई नहीं, बस लेट्स सी, कोई नहीं, अच्छी बात है। एकदम ये सन्नाटा ही बहुत डेंजरस चीज़ है, अगर ये लोग कॉन्स्टेंटली हमें हमारे पीछे किसी को भगाते जैसे ग्रैनी है तो डर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता, पर हमें नहीं पता क्या कहाँ से आने वाला है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, भागो 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 भागो, वी कैन डू दिस। आई थिंक हम लोग भाग जाएंगे, हमारे पास स्टेमिना का कोई ड्रामा नहीं है, पता नहीं वो कितनी देर तक हमें फॉलो करेगा, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और कहाँ से लौटना है, गया क्या, आई डोंट नो। ये सन्नाटा बहुत बुरा है, मैंने पहले ही कहा था, और उससे एक अजीब सा साउंड आ रहा था। आई डोंट थिंक वहाँ पर हमें जाना चाहिए क्योंकि मैं रास्ता भूल जाऊँगा ऑफकोर्स, पर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। लेट्स सी, एनिमेट्रॉनिक्स के जैसे जंप स्केयर मिलेगा और क्या। सर आई नीड टू गो देयर, कॉर्नर में बस छुप। ओ माई गॉड, मैं रन नहीं कर पा रहा। ओ माई गॉड, मुझे इस बात का ही डर था ये कॉर्नर से निकलेगा। हाँ हमें फॉलो कर भाई, हमें फॉलो कर तब ठीक है, वरना ये कॉर्नर से निकलता है तो दिक्कत होता है। मैं ट्रैप हो गया ये पर, कैन आई स्किप, यस आई कैन स्किप। ये हमारे पीछे है अभी भी, कैन वी जस्ट, हम लोग इसे बस घुमाते हैं इस जगह में क्योंकि हमें नहीं पता मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं गया काम से, ये पर मेरा गेम ओवर होता है। नहीं आई थिंक नहीं होता, कैन वी जस्ट चकमा हिम, हम लोग चकमा दे सकते हैं इसे, नहीं चकमा दे सकते, यू आर डेड। अच्छा हुआ कोई जंप स्केयर का साउंड नहीं है, पर एक्चुअली टेरिफाइंग गेम था जब वो कॉर्नर में खड़ा था, मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा था तब, पर ठीक है मैं डरा हुआ था एक्चुअली। एनीवेज अच्छा गेम है, एक और बार ट्राई करते हैं। आई थिंक और कोई नहीं है इस जगह में, एक ही वो रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर है, रेडियो एक्टिव नहीं, उसके पास एक रेडियो का साउंड आता है, स्टैटिक का साउंड। सबसे डेंजरस पोजिशन ये कॉर्नर्स, मुझे नहीं पता उसके साइड में क्या है या फिर उसके पीछे कौन है, वरना ऐसा तो मैं भाग सकता हूँ कहीं पर भी, और मुझे नहीं पता मैं किस कॉर्नर पर जाके रुकने वाला हूँ ये गेम में। कोई मुझे मतलब सब कुछ सेम है, अगर कोई पैटर्न होता तो हम लोग समझ सकते हैं हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डार्कनेस को शायद हमें अवॉइड करना पड़ेगा, मैं और किसी नए कैरेक्टर से या क्रीचर से नहीं मिलना चाहता। व्हाट द हेल, कौन साउंड क्रिएट कर रहा है भाई, मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी, वी आर नॉट अफ्रेड राइट, एक्चुअली मैं डरा हुआ हूँ, पर मेरे जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडी का स्किल्स है, क्या कह रहा हूँ मैं, आई हेट दिस गेम सो मच, मुझे बस 6 नंबर का की चाहिए। पता नहीं मैंने क्या पाप किया कि मैं इस बैक रूम्स में आके मर गया, मतलब बैक रूम्स में आके मुझे रुकना पड़ा, तो मैं वापस से ट्रैप हो चुका हूँ क्या। नहीं, अगर हम लोग ट्रैप होते हैं तो हम लोग उसे चकमा दे पाएंगे, अगर सोचो ऐसे कोई निकल जाए भाग के, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया जा रहा है। देखो ये क्या है, हम लोग उसे थोड़ा सा ट्रोल करे तो ट्रोल करने से डर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा तो भागो बस ऐसे। तो लेट्स सी हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास स्केरी है नहीं जब हमारे पीछे कोई कॉन्स्टेंटली चेस करता है। अगर कोई चेस नहीं करता, बस एक एम्बियंस होता है, तब गेम को हम लोग स्केरी कह सकते हैं, वैसे ही तो गेम स्केरी बनते हैं। तो मैं क्या कह रहा था बाय द वे, मेरा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, आई थिंक पूरा गेम फ्रीज हो गया था कुछ सेकेंड्स के लिए। आई थिंक वो अभी भी हमारे पीछे था, पर वो लाइट में शायद नहीं आ सकता, या लाइट में ही हमारे पीछे फॉलो कर रहा था इतने टाइम तक। आई डोंट नो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, मेरे सामने तो डार्कनेस है, और उस ब्लू दरवाजे का जो जगह था वो मैं भूल चुका हूँ कहाँ पर है, मतलब मैं टोटली मरने वाला हूँ यहाँ पर। लेट्स सी,
बिल्कुल सन्नाटा छा चुका है। अगर ये मुझे एक दो सेकंड तक चेस करता है तो हम लोग इम्यून बन जाते हैं। अच्छा तो ये बिल्कुल सामने से आता है। हो ठीक है, लेट्स गो कॉर्नर, आई हेट कॉर्नर्स। और ये रनिंग का बटन इतना छोटा है, और एक अच्छी बात है कि हम लोग इन्फिनिट स्टेमिना के साथ भाग सकते हैं। आई डोंट केयर कौन आने वाला है, बस मैं भाग रहा हूँ। ओके मैं कहीं गलत जगह पे आ गया, नहीं कुछ नहीं है पर एनीवेज ये हमारा लास्ट ट्राई है, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट है और देन मुझे काम पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा काम है मुझे, समझ जाओ, बस मैं स्टूडेंट हूँ ऑफकोर्स, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इस वीडियो को बना नहीं सकता, वरना मैं इस वीडियो को ख़त्म करता निकलने के बाद इस गेम से, क्योंकि कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाला है नहीं। ये ऐसे मैं लास्ट टाइम नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर यपत था। मैंने कभी बैकरूम्स का ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब पे देखा नहीं, मैंने बस थंबनेल्स को देखा है एंड देन मैं समझ गया क्या होने वाला है। मतलब एक डर का जो फीलिंग है वो ख़त्म हो चुका है, मैं घूम फिर के वहीं पर आ गया। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा बैकरूम्स नहीं है, बस थोड़ा सा ही जगह है पर हाँ एक मॉन्स्टर के साथ। मैं डरा क्यों हूँ आई डोंट नो, पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ कह रहा है कि हमें वो सामने नहीं जाना, इस कॉर्नर में हुआ से कहीं पर निकलेगा वो मॉन्स्टर। पीछे से भी आ सकता है पर उसे आने में टाइम लगेगा, वो एकदम टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। लेट्स रन, हम लोग भाग सकते हैं, बस हम लोग इस स्टैमिना का मतलब इस पावर का यूज़ करते हैं बस। ओके अगर मैं बात करना बंद करता हूँ तो ये गेम का एटमॉस्फेयर और भी क्रीपी बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता ऑफकोर्स। लेट्स सी, मैं बात करना बंद करता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। अगर मैं बात करना बंद करता हूँ तो आप लोग नहीं डरेंगे और मैं ज़्यादा डर जाऊँगा एक्चुअली। अगर मैं बात करना बंद करता हूँ तो आप लोग भी ज़्यादा डरेंगे, मैं भी ज़्यादा डरूंगा। आप लोगों का मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पर मैं ज़्यादा डरूंगा एक्चुअली। बात करने से मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ और मेरा कैमरा अचानक इस साइड में क्यों घूम रहा है? आई डोंट थिंक ये मेरे फ़ोन का स्क्रीन का कोई ग्लिच है, ये कोई गेम का ग्लिच होगा। सो लेट्स सी हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं। हाँ ये पर आजा भाई, ये अगर मुझे फॉलो करता है तो बड़ी अच्छी बात है। है क्या चीज़ ये? ओ माय गॉड, इसका स्पीड कुछ खास कम नहीं है, अच्छा स्पीड है इसका एक्चुअली। तो ये ज़्यादा देर तक मुझे फॉलो नहीं करता, अभी भी फॉलो कर रहा है। देखो मैं गलत था एक्चुअली। अच्छा मैं ऐसा सामने जाके ट्रैप होने वाला हूँ या नहीं? हम लोग निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, नहीं हम लोग अभी इसे चकमा देंगे देखो प्रो की तरह। भागो 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 भागो, मैं उस जगह में जाऊँगा जहाँ पर मैं नहीं जा सका इसकी वजह से, बस नहीं जा सका मैं इस बार भी। ये कितना कंफ्यूजिंग है। नहीं सर बिल्कुल मेरे पीछे, लीव मी अलोन। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस साइड में जा सकता हूँ तो लगभग मैंने इस गेम के पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया। डार्कनेस में शायद ये भी मुझे नहीं देख सकता। कितना स्ट्रेसफुल है इस सिचुएशन में बात करना, पर एनीवेज वी मैनेज टू डू दैट। सामने जाता है, हम लोग सामने चलते हैं क्योंकि वो अब मुझे फॉलो नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो मुझसे पीछे रह गया। अच्छी बात है, एक ही चीज़ है हमारे पीछे, 10 चीज़ें नहीं हैं तो बहुत दिक्कत होता है एक्चुअली। पता नहीं कहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, और 10 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ओ माय गॉड, अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो कितना। एक सेकेंड, आई थिंक मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, फाइनली एक चीज़ दिखा मुझे इस जगह पे। की, गिव मी दिस। ओ माय गॉड प्लीज़ गिव मी। ओके थैंक यू, तो थैंक यू सो मच। तो अभी मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा आई डोंट नो, पर एक की से हम लोग क्या करेंगे? मुझे की चाहिए, मतलब एक नंबर चाहिए, कीबोर्ड का की चाहिए हमें, या नंबर पैड का की। ऑलराइट, तो हम लोगों को बस सामने भागना पड़ेगा। लेट्स रन स्ट्रेट, पर वो हमें सामने ही मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? उसका कोई मैंने नहीं सोचा, मतलब आधा प्लान किया मैंने, फुल प्लान नहीं किया। ऑलराइट, 1 2 3 ग्रो गो। कुछ नहीं, बस डार्कनेस। और यहाँ पर ट्रैप्ड रूम, मतलब अगर ये लोग थोड़ा सा ट्रैप मतलब ऐसे डेड एंड्स ना बना के कुछ अच्छा बनाते तो और अच्छा बनता ये गेम। बस डेड एंड आ गया हमारे सामने, तो हम लोग भाग नहीं सकते वहाँ से। मैं भाग क्यों रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं बस किसी डोर को ढूंढ रहा हूँ जिसमें की लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, कोई नहीं, ठीक है भागते हैं बस सामने। वी आर डूइंग दिस, सो लेट्स गो। लाइट में कोई हमें मार नहीं सकता आई थिंक। कहाँ गया ये? वॉच एड्स एंड अर्न टिप्स, हमें ऐड देखना है क्या? लेट्स सी, ऐड देखने के लिए हमें इंटरनेट को ऑन करना पड़ेगा। ऐड नहीं लोड हो रहा, तो हमें ऐड को लोड करने के लिए शायद गेम को एक बार लोड करना पड़ेगा। तो हम लोगों को बस ऐसे ही भागना पड़ेगा, पूरा घूमते हुए जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया था। ऑलराइट, आई थिंक कि मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करने वाला, मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। आई कैन फील दिस कि मैं अब इस दुनिया में ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था कि मैं इस बैक रूम में आ गया। अगर सोचो अगर हम लोग सीढ़ी से एक, मैं गया काम से, भागो भागो भागो, मैं मरना नहीं चाहता ऐसे, बस मैं मरना चाहता हूँ एक्चुअली पर मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, एंड मैं मर चुका। व्हाट दिस इज़, टीवी है
एक सेकेंड, व्हाट, ये है क्या? मुझे लगा टीवी है, पर कुछ अलग ही टूटा फूटा मटेरियल से बना है। तो हम लोग 14 मिनट तक सर्वाइव कर चुके हैं आई थिंक, या फिर नहीं, हमारे पास बस एक ही लाइफ है और 14 मिनट का टाइम है निकलने के लिए। आई थिंक ये गेम फ्री नहीं है कम्प्लीटली। एनीवेज, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, और ये थोड़ा सा, अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं शायद इस गेम को ख़त्म कर देता, पता नहीं उससे क्या होता। पर एनीवेज, अगर आप लोगों ने वीडियो को इंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे गेम्स खेलते रहते हैं, और इसी भी कंटेनमेंट ब्रिज को हम लोग शायद खेलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मुझे उस गेम को दोबारा से लोड करना पड़ेगा फर्स्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।